नमस्कार दोस्तों, मैं बीरबल यादव पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग एक नए अंदाज में। रीजनिंग नए अंदाज में पढ़ने के लिए आज ही ज्वाइन करें बाय स्टडी यूट्यूब चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करें और बनिए जीरो से लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म चौधरी आपको पढ़ाऊंगा राजनीति विज्ञान एक नए अंदाज में। पढ़ने के लिए आज ही ज्वाइन करें बाय स्टडी यूट्यूब चैनल। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऑनलाइन क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बाल विकास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और बाल विकास के अंतर्गत हमारे सामने आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसमें विकास के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे हम। विकास के सिद्धांत, एक बच्चा अपना विकास कैसे करता है, उसके कौन कौन से सिद्धांत मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रचलन में, हम उन्हीं सिद्धांतों के बारे में आज के अपन इस ऑनलाइन वीडियो के अंतर्गत हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, कौन कौन से विकास के सिद्धांत है जो बालक के विकास में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। तो साथियों, बाल विकास के अंतर्गत हमारे सामने बहुत सारे सिद्धांत बने हुए हैं जिनके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। हमारे पास में जो बाल विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत जो पहला सिद्धांत आता है उसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और ये जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है वीना के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड। साथियों, अगर एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन वियना के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया। बाल विकास के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं सिगमंड फ्रायड के द्वारा बाल विकास के क्षेत्र में दी गई है और उसी में एक सिद्धांत इनके द्वारा दिया भी गया जिसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है, साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कि बच्चे का विकास किस प्रकार से हो रहा है और उसके विकास के रूप में कौन कौन से सिद्धांत उस बच्चे के लिए अप्लाई किए जा रहे हैं, तो उसी में एक सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। साथियों, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया, मन की दो स्थितियों का अध्ययन किया है और मन की जो उन्होंने पहली स्थिति बताई है उसे आकारात्मक स्थिति का नाम दिया गया। जो पहली स्थिति बताई उनके द्वारा आकारात्मक, और दूसरी स्थिति उन्होंने बताई जिसको गत्यात्मक स्थिति कहा जाता है, गत्यात्मक। मन की दो स्थितियों का उल्लेख किया सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत, आकारात्मक स्थिति और गत्यात्मक स्थिति। साथियों, इस आकारात्मक स्थिति के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया, मन की अवस्थाओं का उल्लेख किया है और मन की अवस्थाओं का उल्लेख करके उसने मन की तीन अवस्थाएं बताई है, मन की प्रमुख तीन अवस्थाओं का उल्लेख सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया है और इसी मन की तीन अवस्थाओं को उन्होंने अपने इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में नाम दिया है, जिसमें पहली अवस्था उनके द्वारा बताई गई जिसे चेतन मन का नाम दिया गया है। चेतन मन, पहली जो अवस्था बताई चेतन मन, जिसे कॉन्शियसनेस माइंड के नाम से जाना जाता है, पहला कॉन्शियसनेस। इस कॉन्शियसनेस के अंतर्गत हम सीधा सा जानने का प्रयास करें तो ये हमारे मन की जागृत अवस्था कहलाती है। साथियों, कौन सी अवस्था, जागृत अवस्था। जब हम पढ़ा रहे हैं, खेल रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की अगर सक्रिय भूमिका में कोई भी कार्य किया जा रहा है, तो उस समय जो हमारे मन मस्तिष्क की स्थिति होती है हम उसे चेतन मन के नाम से जानते हैं। कॉन्शियसनेस माइंड अर्थात मन की कौन सी अवस्था, मन की जागृत अवस्था को ही अपने आप में चेतन मन के नाम से जाना जाता है। और सिगमंड फ्रायड ने बताया कि जिस प्रकार से मान लो एक पानी का हमारे सामने बीकर है, एक पानी का जार है और इसमें पानी भरा हुआ है और इस पानी के अंतर्गत साथियों क्या किया जाता है, हमने एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। जो बर्फ का टुकड़ा हमने इस पानी के अंतर्गत डाला है, इस बर्फ के टुकड़े का लगभग 1/10 भाग पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है, बाकी का हिस्सा इसका पानी में डूबा हुआ है। तो जो हिस्सा बाहर की चीजों को देख रहा है
वो सिगमंड फ्रायड के अनुसार चेतन मन के नाम से जाना जाता है। सीधे से कहें तो जो एक्टिव पोजीशन होती है हमारे माइंड की साथियों, उस एक्टिव पोजीशन को हम अपने आप में चेतन मन के नाम से जानते हैं। अगर पूछा भी जाए कि पानी में जो डली हुई बर्फ है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जो पानी में तैर रहा है वो कौन से मन को इंडिकेट करता है, वो चेतन मन को इंडिकेट करता है। इसके साथ में सिगमंड फ्रायड ने दूसरे मन की स्थिति भी बताई जिसे अचेतन मन कहा जाता है। अचेतन मन जिसे अनकॉन्सियस माइंड के नाम से जाना जाता है, अनकॉन्सियसनेस। अब अनकॉन्सियसनेस के अंतर्गत क्या होगा कि मन की इस स्थिति के अंतर्गत हमारे मन मस्तिष्क के अंतर्गत क्या होता है कि जो जो भी दुखद अनुभव है हमारे पास में, दुखद जो भी बातें हैं हमारे पास में, जो भी कटु अनुभव हैं या जो भी हमारी दमित इच्छाएं वो सारी भरी पड़ी रहती है हमारे कौन से मस्तिष्क के अंतर्गत, अचेतन मन के अंतर्गत। जो भी हमने कल्पना की थी, जो भी हमने विचार किया था, हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उस चीज तक हमारी पहुंच नहीं हो पा रही है, तो धीरे धीरे वो चीजें हमारे जो मन के विचार थे वो धीरे धीरे चल करके इस अचेतन मन के अंतर्गत पहुंच जाते हैं। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहला हमने उदाहरण लिया था कि एक पानी के बीकर के अंतर्गत जो बर्फ का टुकड़ा डल रहा है वो जो डूबने वाला हिस्सा है ये जो इंडिकेट करेगा वो हमारे कौन से मन मस्तिष्क को इंडिकेट करता है, अचेतन मन को। और ये हमारे मन मस्तिष्क का लगभग 9/10 भाग होता है। कहने का मतलब 1/10 भाग तो हमारा मन मस्तिष्क हमेशा चेतन अवस्था में रहता है और बाकी का जो 9/10 भाग होता है वो अचेतन मन के अंतर्गत है। अगर आपसे परीक्षा में भी पूछा जाता है साथियों, कई बार इस विषय से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में आए जिसमें पूछा गया है कि जागृत अवस्था वाली स्थिति कौन से मन को कहा जाता है, तो आपको वहां ये जागृत मन की अवस्था के लिए हमें इस चेतन मन को आइडेंटिफाई करना होगा। और अगर हमसे यह पूछा जाए कि हमारे मन मस्तिष्क के कौन सी अवस्था के अंतर्गत हमारे दुखद बातें रहते हैं, कटु अनुभव होते हैं, दमित इच्छाएं भरी पड़ी रहती हैं, तो वो हमारे मन का अचेतन भाग कहलाता है। और इसी के साथ में एक तीसरी अवस्था उन्होंने और बताई जिसे अर्ध चेतन मन कहा जाता है। साथियों कौन सा मन है? अर्ध चेतन मन, जिसे हम सब कॉन्सियसनेस माइंड कहते हैं, सब कॉन्सियसनेस माइंड। इस सब कॉन्सियसनेस माइंड के अंतर्गत सीधा सा कहे तो चेतन और अचेतन के जो बीच वाली स्थिति है उस बीच वाली स्थिति को अर्ध चेतन मन कहा जाता है। सपोज दैट हमने कोई बात याद की है, उस याद की गई बात को अगर हम क्या करते हैं, याद की गई बात को बाई सडन अचानक हमारे द्वारा उस बात को भुला दिया गया या हम किसी बात के लिए हम घबराना या किसी बात के लिए कहते कहते हकला जाना, ये जो स्थितियां होती हैं, याद की हुई बात को सडनली आप फॉरगेट कर जाते हैं, याद नहीं रह पाती, आप सडनली उसको याद नहीं कर पाते हैं, या आपके पास में किसी प्रकार की इस प्रकार की घबराहट होती है कि आप हकला जाते हैं, तो उस मन की वाली स्थिति को हम अर्ध चेतन मन के नाम से जानते हैं। तो इस मन की आकारात्मक स्थिति के अंतर्गत साथियों सिगमंड फ्रायड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं बताई। और ये भी पूछा जाए कि चेतन मन का कितना फीसदी भाग जागृत अवस्था के रूप में अगर अपन बात करें तो हमारे मन मस्तिष्क का जो चेतन मन का भाग होता है वो लगभग कितना? 1/10 भाग होता है। और इसी के साथ में अगर हम अचेतन मन की भी बात करें तो हमारे ये मन मस्तिष्क का कितना भाग होता है? लगभग 9/10। और इन दोनों के बीच की स्थिति की बात की जाए तो उसे अर्ध चेतन मन के नाम से जाना जाता है। साथियों ये तो सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत बात की थी उसने अपने आकारात्मक स्थिति के आधार पर। दूसरी एक स्थिति और बताई सिगमंड फ्रायड ने जिसे गत्यात्मक स्थिति कहा जाता है। जो दूसरी स्थिति इन्होंने बताई है गत्यात्मक स्थिति, और गत्यात्मक स्थिति के आधार पर सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है, व्यक्तित्व विकास की जो संरचना है उस व्यक्तित्व विकास की संरचना को उसने 3 रूपों में उल्लेखित किया है। कितने रूप बताए इसके? 3 रूप। और जो पहला रूप इन्होंने बताया है उस पहले रूप को हम जानते हैं अपने आप में इद कहा जाता है। इद, इसे उपाह के नाम से भी जाना जाता है। उपाह, इस प्रकार के व्यक्तित्व विकास की अवधारणा के अंतर्गत ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपने आप में पूर्ण रूप से स्वार्थी होता है, स्वकेंद्रित होता है, और इसी कारण वो ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त करना चाहता है? सुख प्राप्ति करना चाहता है। और सुख की प्राप्ति के कारण इसे व्यक्तित्व विकास का सुखवादी
सुखवादी सिद्धांत भी, सुखवादी सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। सुखवादी सिद्धांत, सुखवादी सिद्धांत। अगर हमसे परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुखवादी सिद्धांत कौन सा है, तो साथियों कौन सा करना है? इद, इद जिसे उपाय के नाम से जाना जाता है, ये हमारे व्यक्तित्व विकास का सुख। और जहां सुख प्रभावी होता है वहां व्यक्ति स्वार्थीपन से वशीभूत हो जाता है, स्वार्थी स्वकेंद्रित होता है। इसी कारण से उस व्यक्ति के अंतर्गत राक्षस प्रकार की प्रवृत्तियां प्रभावी होने लगती हैं, और राक्षस प्रकार की प्रवृत्तियां प्रभावी होने के कारण ही इसे अपने आप में इद कहा जाता है, उपाय कहा जाता है। असमंजस भरी स्थिति वाले मन मस्तिष्क को साथियों हम उपाय के नाम से जानते हैं। और गत्यात्मक स्थिति में दूसरी एक चीज और बताई सिगमंड फ्रायड ने, जिसे ईगो के नाम से जाना जाता है। ईगो, ईगो जिसे हम अहम भी कहते हैं। अहम हमारे व्यक्तित्व विकास की वह अवधारणा जिसके अंतर्गत हम वास्तविक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, और वास्तविक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के कारण इसे व्यक्तित्व विकास का वास्तविक सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर हमसे परीक्षा में पूछा जा रहा है कि साथियों व्यक्तित्व विकास का वास्तविक सिद्धांत कौन सा है, तो याद रखना परीक्षा में भी आपसे पूछा जाए तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि वास्तविक विकास का जो सिद्धांत है उसे हम ईगो के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में हमारे पास में एक तीसरा फॉर्म और बताया सिगमंड फ्रायड ने, जिसे सुपर ईगो कहा जाता है। सुपर ईगो, और इस सुपर ईगो को परम अहम के नाम से भी जाना जाता है। परम अहम इस प्रकार के व्यक्तित्व सिद्धांत के अंतर्गत जीवन में आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रकट होने लगता है। आदर्शवादी नैतिकता वाली भावनाएं इस विकास के अंतर्गत प्रभावी होने लगती है, नैतिकतावादी दृष्टिकोण भी प्रभावी होने लगता है। इसी कारण इस परम अहम वाले व्यक्तित्व सिद्धांत को सीधा सा आध्यात्मिक सिद्धांत भी कहा जाता है। आध्यात्मिक, अगर हमसे पूछा जाता है कि किस प्रकार के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को आध्यात्मिक सिद्धांत कहा जाता है, तो साथियों हमें आइडेंटिफाई करके आना है कि हम सुपर ईगो वाले पार्ट को आदर्शवादी नैतिकतावादी आध्यात्मिक विकास सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इस गत्यात्मक स्थिति के आधार पर साथियों सिगमंड फ्रायड ने जो स्थितियां बताई हैं वो हमारे सामने तीन प्रकार की स्थितियां बताई हैं। याद रखना परीक्षा में बहुत उपयोगी चीज है ये कि कौन कौन सी स्थितियों के आधार पर उसने मन का विश्लेषण किया है। तो जो पहली स्थिति उन्होंने बताई उसे इद के नाम से जाना गया, जिसे व्यक्तित्व विकास का हम सुखवादी दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरा उन्होंने ईगो बताया जिसे हम व्यक्तित्व विकास का वास्तविक सिद्धांत कहते हैं, और तीसरा उन्होंने सुपर ईगो बताया जिसे व्यक्तित्व विकास का आध्यात्मिक सिद्धांत कहा जाता है। तो साथियों आज हमने इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार की अवधारणाओं को हमने पढ़ने का प्रयास किया है। मैं आपको पुनः एक बार दोबारा से दिखाता हूं कि इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने हमारे जो मन का विश्लेषण किया है वो दो अवस्थाओं के आधार पर किया है। दो स्थितियां बताई हैं, आकारात्मक और गत्यात्मक स्थिति। और इस आकारात्मक स्थिति के अंतर्गत उन्होंने मन की कितनी अवस्थाएं बताई, याद रखना आकारात्मक स्थिति में मन की तीन अवस्थाओं का उल्लेख किया है। और साथियों जो पहली अवस्था इन्होंने बताई वो अपने आप में कौन सी है, जिसे चेतन मन का नाम दिया गया है, और दूसरी इन्होंने बताई अचेतन, और तीसरी बताई अर्धचेतन। और अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि सपोज दैट आपके सामने एक पानी का जार है और उसमें हमने बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया, और उस डली हुई बर्फ के जो ऊपर वाला जो पानी में तैर रहा है हिस्सा, वो हमारे कौन से मन को आइडेंटिफाई करेगा? याद रखना साथियों पूछा गया भी क्वेश्चन है, एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ भी है, रिपीट भी हो सकता है, कि उस मन की स्थिति को जागृत मन कहा जाएगा, जिसे चेतन मन कहा जाता है। दूसरा उन्होंने बताया अचेतन मन, यानी इस डली हुई जो बर्फ है इसका पानी में जो हिस्सा डूब रहा है वो डूबने वाला हिस्सा इसके अचेतन मन को इंडिकेट करता है, जो हमारे मन मस्तिष्क का लगभग 9/10 भाग होता है। साथियों याद रखना 9/10। तीसरा जो इन्होंने बताया वो अपने आप में अर्धचेतन है। और इसी के साथ में सिगमंड फ्रायड ने मन की दूसरी स्थिति का उल्लेख किया है, जिसे गत्यात्मक स्थिति कहा जाता है। इसके आधार पर उन्होंने हमारे इस व्यक्तित्व संरचना को तीन रूपों में डिवाइड किया है। पहला नाम उन्होंने उपाय दिया है, दूसरा अहम, और तीसरा परम अहम के नाम से इसे जाना गया है। साथियों हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत बाल विकास के क्षेत्र में दूसरा सिद्धांत है, हम उसी की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम इस चैनल के अंतर्गत इतना ही।
प्लीज सब्सक्राइब अवर बाई स्टडी चैनल्स, प्लीज लॉग इन, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड नेक्स्ट वी विल अपलोड सून वेरी पावरफुल वीडियो. थैंक यू सो मच.